नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा में सीईटी के विरोध में यूथ कांग्रेस हिसार ने विशाल रोष मार्च निकाला। इसका नेतृत्व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, भाजपा अपने विवादों पर खरी नहीं उतरी। विपक्ष का गठबंधन देश की राजनीति में महत्वपूर्ण है। राष्ट्रहित से बढ़कर कोई काम नहीं है और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं है। एनडीए में जो 38 दल हैं उनमें से इंडिया गठबंधन के बनने के बाद भाजपा प्रेशर में है, इसलिए भाजपा ने भानुमती का कुनबा इकट्ठा किया और कहीं से ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर मीटिंग दिखाने का प्रयास किया। एनडीए में 15 तो नॉर्थ ईस्ट के दल हैं जहां पर लोकसभा की सीटें ही गिनी चुनी हैं। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में जेजेपी का जनाधार खत्म है। भाजपा के नेता कैप्टन अभिमन्यु और सांसद ब्रजेंद्र सिंह की बात सही है कि जजपा का अब कोई जनाधार नहीं है। हमारे विधायकों की सरकार और राज्यपाल से मांग है कि कम से कम 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। मृतकों के परिवार वालों को 20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। जो गाँव बाढ़ग्रस्त है उन गाँवों के 3 महीने के बिल माफ़ किए जाएँ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।